वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की स्पेशल रेसिपी है होममेड नूडल्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम बना रहे हैं नूडल्स आज नाश्ते के लिए। तो ये मैंने लिया है सूर्या नूडल्स और इसका एक पैक का MRP है 66 रुपीज़। ये ऐसे पैकेजिंग में आता है और इसका नेट वेट है 450 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसके लिए रखेंगे पानी गर्म करने के लिए, बाद में सब्जियाँ काटने हैं, तब तक के पानी गर्म होता है। इतना पानी गर्म करने रखा है, इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और ऑयल। पहले इसको गर्म होने देना है। पानी गर्म हो रहा है, आप तो ये हमने नूडल्स ली है और ये पानी बॉईल हो गया है। ये नूडल्स के पैक में हमें ये मसाला मिला है, नूडल मसाला। देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो हमने ये भी टेस्ट नहीं किया। ये चिली सॉस, ये डार्क सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो सॉस। इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल, और थोड़ा सा नमक। और अब हम इसमें डालेंगे ये नूडल्स जो हमने क्रश कर ली है थोड़ी सी। और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, पका लेंगे, क्योंकि वो बाद में जब हम उसे फ्राई करते हैं तब वो पकती नहीं है, जस्ट वो फ्राई होती है, इसलिए हमें इसे पूरा पकाना है। ये सब्जियां काट ली है, दो शिमला मिर्च है, ये बड़ा वाला एक प्याज है, ये तीन चार हरी मिर्च है और ये दो गाजर है। और ये हम लहसुन इसको बारीक बारीक काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। नूडल्स पक गई है, इसे हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया। देखिए ये ऐसी पकनी चाहिए, ऐसी नहीं तो वो पकी नहीं तो पेट दुखेगा। और ये कैबेज है, इसको बारीक बारीक चॉप करके धो के रखा है। और हमारे घर में वोक नहीं है तो हम बड़ी कढ़ाई में ही बनाते हैं। गैस ऑन करेंगे, से दो चम्मच तेल लिया है, इसको हम गरम होने देंगे। तेल को गरम कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन बारीक कटा हुआ, गार्लिक और क्या बोलते पता नहीं, पर हम लहसुन बल्लोली कन्नड़ा में बल्लोली कहते हैं। कन्नड़ा कर्नाटक में रहती हो तो थोड़ा थोड़ा सीख लो। चीजें गैस की फ्लेम बड़ी रख कर ही करते हैं। और इसमें डाला है प्याज, अब हमने इसमें डाली है हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी पकने देंगे थोड़ा सा। इसमें डाला है गाजर, अब इसमें डाले हैं कैप्सिकम, हमें 2 से 3 मिनट के लिए सब्जी को पकाना है। इसमें डाल दिया है कैबेज बारीक कटा हुआ। सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, बाद में कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और विनेगर में भी सॉल्ट नमक होता है और डार्क सोया सॉस में भी। तो नमक डालते समय थोड़ा कंजूसी करिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, ऐसे छोटे छोटे पाउच ही लिया करिए, क्योंकि ये चाइनीज हम ज़्यादा बनाते नहीं तो वो एक्सपायर जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा पाउच लिया तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। और एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं, आपके पास रेड चिली सॉस होगा तो आप वो भी डाल सकते हैं।
या नहीं होगा तो आप ज़्यादा थोड़ा सा मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। और लौंगे ली होती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, एक ढक्कन टेबलस्पून। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को ज़्यादा पकाना नहीं है इसलिए हमने उसे बाद में डाला। अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स, मसाला पाउडर। टॉस कर लेंगे अच्छे से। टॉस इसके नीचे तवा इसलिए रखा है कि तवे का जो स्मेल है, सॉरी जो नूडल्स का स्मेल है वो अच्छा आता है, क्योंकि जब वो हम नूडल्स वगैरह बनाते हैं वो लोहे के इसमें बनाते हैं, पर हमारे पास वो लोहे की कढ़ाई नहीं है तो हम उसको तवे का टच दे के वो वाली फीलिंग ला रहे तवे ठेवलो तो छान स्मेल येते। नूडल्स बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और रेसिपी घर में ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही सिंपल और हेल्दी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।